देखिए क्षेत्र में अभी स्थिति जो है पहले से थोड़ा सामान्य हुई है, लेकिन अभी भी हमारा जो है बैकलॉग भी काफ़ी है। काफ़ी सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। देखिए बंगा पानी का एक मुद्दा उठा था, बंगा पानी वाला जो क्षेत्र आप बता रहे थे, उस क्षेत्र में आपको ज्ञात होगा दिवाली से पहले जो बरसात आई थी उसमें रोड ब्लॉक थी, उस कारण हम लोग अक्टूबर माह में उधर वितरित नहीं कर पाए थे। उसके बाद दिवाली के बाद से हम लोग को लोड जो है कम हो गया, तो लोड कम होने के कारण और फिर झारचूला क्षेत्र के अंदर काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्रॉपर सप्लाई हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी सप्लाई हम पहुंचा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण तो एक ये भी रहा कि मैं लोड नहीं मिल पा रहा है मांग के अंदर जी। अब प्रतिदिन हमें दो लोड प्रतिदिन की गाड़ी चाहिए अभी, जो नहीं मिल पा रही है। एवरेज है प्रतिदिन एक गाड़ी का लोड हमें मिल पा रहा है, जिस कारण अभी थोड़ा बहुत जो है मांग जो है ज़्यादा बनी हुई है। ये धीरे धीरे अभी इसको हम लोग ठीक कर रहे हैं, ये समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। देखिए होम डिलीवरी का प्रावधान में भी यही है कि हमारे पास जब गोदाम में गाड़ी और गोदाम में स्टॉक कम होने के कारण हम धारचूला क्षेत्र में होम डिलीवरी कम करवा पाए। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में जहाँ पे शिकायत ज़्यादा आती है, ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि उन क्षेत्रों में आप पहले गैस पाए, जिस कारण पूरे क्षेत्र की जो व्यवस्था थी वो थोड़ा बहुत अभी उसमें ऊपर नीचे देखा गया है। जिससे जैसे जैसे ये लोड हमारे पास सामान्य होते जाते हैं वैसे वैसे इसको भी हम लोग ठीक करते हैं। ये कब तक स्थिति है, आपको तीन गाड़ियाँ कम से कम चाहिए यहाँ पर जो पूर्व की भांति, कब तक मिल पाएंगी, कुछ आपने बात की आगे? जी हमारी आगे लगातार बात हो रही है, इसमें प्रतिदिन दो लोड हमें मिल भी रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि एक एक दिन का अगर गैप हो जा रहा है तो वो एवरेज यही निकल रहा है कि प्रतिदिन का एक लोड ही मिल पा रहा है। अब उसमें यह है कि हमारी IOC सेल्स ऑफिसर से भी बात हो रही है लगातार, यहाँ पे SDM साहब को भी हम लोगों ने बताया हुआ कि हमारे पास जो है प्रतिदिन दो लोड की आवश्यकता है, DSO मैडम से भी लेटर दिया हुआ, तो इस पर काम चल रहा है। और उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर रेगुलर तीन गाड़ियों की खपत है पर डे, और जिसमें से एक गाड़ी उनको प्राप्त हो रही है, जिस कारण जो है वो माइनस में चल रहे हैं और जो आवश्यक है उन्हीं लोगों को दे पा रहे हैं। इस संबंध में हमारी जो है DSO से बात हुई, DSO साहब ने कहा कि हमने जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ये बात लाई है और एक लेटर बना करके जो गैस आपूर्ति लालकुआ हल्द्वानी में है उन्हें लेटर भेजा है कि यहाँ पर जो है गैस की आपूर्ति जो है तत्काल कराई जाए। और ये स्थिति कमोबेश उनके द्वारा बताया गया कि पूरे जिले में है, हर तहसीलों में ये स्थिति आ रही है, इसलिए पूरे जिले के लिए उन्होंने लेटर बना के भेजा है और ये भी विश्वास उन्होंने दिलाया है कि दो चार दिन में ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। नहीं, होम डिलीवरी का जो है बनाया गया है उसका रूट है और उसके अनुसार आपूर्ति की जा रही है, इसमें अभी किसी की शिकायत हमारे पास नहीं पहुंच पाई है। अगर शिकायत मिलती है तो हम देखेंगे, हो सकता है जो थोड़ी बहुत जो है बैकलॉग चल रहा है हमारा उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है।